नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। नवनियुक्त आजमगढ़ प्रभारी का कांग्रेसियों ने किया जोरदार स्वागत। प्रभारी ने साधा प्रदेश सरकार पर सीधा निशाना। जिला कांग्रेस कमेटी पर पहुंचे नवनियुक्त आजमगढ़ प्रभारी व प्रदेश सचिव अनीश खान का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान आजमगढ़ प्रभारी अनीश खान ने बताया कि पूरा प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है। अपराधी बेखौफ होकर प्रतिदिन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वर्ष 2023 NCRB रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों में पहले स्थान पर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में होने वाले अपराधों में 15% अपराध उत्तर प्रदेश में 72 हो गए हैं। इसके सिर्फ दो बानगी देखिए, कितने एक प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां दिनांक 2 नवंबर 2023 को ITI BHU की छात्रा का 3 लड़कों द्वारा जबरन गन पॉइंट पर उसकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाया गया एवं दुष्कर्म किया गया। दिनांक 3 नवंबर को ही कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बता दिया था कि इस घटना में भाजपा के लोगों का हाथ है। इस पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई थी। दिनांक 5 नवंबर को CCTV फुटेज से लड़की की पहचान कर ली गई। 8 नवंबर को पीड़िता द्वारा भी उनकी पहचान कर ली गई। आरोपियों को पुष्टि होने के पश्चात भाजपा द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भेज दिया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आरोपियों की पहचान होने के बाद भी उनको गिरफ्तार करने में 2 महीने क्यों लगे? क्या 5 राज्यों के चुनाव के कारण भाजपा आरोपितों को बचा रही है? अगर छात्रों और कांग्रेस अध्यक्ष का इतना दबाव न होता तो शायद अपराधी पकड़े भी नहीं जाते। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और यह दुर्भाग्य की घटना है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की यह घटना है। दूसरी घटना प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र गोरखपुर की है, जहां विनोद उपाध्याय को सुल्तानपुर में पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ में मार दिया गया। ये बात आईने की तरह साफ है कि गोरखपुर के रहने वाले विनोद उपाध्याय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने विरोधी रहे हैं। योगी जी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद विनोद उपाध्याय पर शिकंजा बढ़ता गया और क्रमशः उन पर इनाम की धनराशि भी मामले को गंभीर दिखाने के लिए बढ़ाई गई। यह मुठभेड़ व्यक्तिगत कुंठा और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है और योगी सरकार का एक जाति विशेष विरोधी चेहरे का उजागर करती है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की न्यायिक जाँच कराने की मांग कर रही है। आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सच जो है पीछे हो गया, झूठ जो है आगे हो गया। और बहुत सारे चीज़ों को जो है, गलत चीज़ों को सही साबित कर दिया जाता है, सही चीज़ों को गलत साबित कर दिया जाता है। बहुत बड़े बड़े अपराधी लोग हैं, अगर लिस्ट बनाई जाए तो मेरे ख्याल से 100 के पार हो जाएगी। बड़े बड़े अपराधी लोग हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, अगर उनके प्रमुख रूप से कोई प्रतिद्वंदी है या इस टाइप से जो है लगता है कि हमारे खिलाफ़ इन्होंने चुनाव लड़ा या कोई भी ऐसी रही, तो उनके खिलाफ़ एक नहीं अनेक मुकदमा कायम कर करके और एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। ऐसा पिछले दिनों गोरखपुर में एक उपाध्याय जी के साथ हुआ और अभी आप हाल ही में जो है बनारस की एक बेटी जो IIT की छात्रा थी, वो भी विलेंट थी, पढ़ने में थी और उनके साथ जिस तरीके से रेप हुआ, सामूहिक रेप हुआ, और रेप करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग थे। तो ऐसी स्थिति में पहले तो प्रशासन और शासन के लोगों ने हिला हवाली किया और जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय अजय राय जी ने इसकी आवाज़ उठाई तो उल्टे उनके ऊपर ही मुकदमा कायम कर दिया गया। फिर बाद में मुकदमा कायम हुआ, जेल गए एक नाटकीय तरीके से। एक तरफ तो योगी जी जो है, जब कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ होता है, तो अपने बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं जहां नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। और जब भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग ऐसा कोई घटना करते हैं, ऐसे कोई अपराध करते हैं, तो उनके साथ जो है वो जो है दूसरे टाइप का व्यवहार करते हैं। तो ऐसा व्यवहार जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो है इंडिया गठबंधन बना हुआ है, उस पर हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व गंभीरता से विचार कर करके
गठबंधन के लोगों से जो है, जो प्रमुख दल के लोग हैं, प्रमुख नेता हैं उस दल के, उनसे दिन प्रतिदिन जो है बातचीत हो रही है, तो सकारात्मक है और अच्छा रहेगा, जो भी रहेगा अच्छा रहेगा। अब ये प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, हम लोगों को जो आदेश निर्देश मिलेगा हम लोग उसको पालन करेंगे। अभी तो हम लोग प्रदेश के हर सीटों पे कांग्रेस जनों की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।